हमारी दुकान राता नारायण में ये है, शिव मंदिर रोड पर है, और हम शाम को 9:45 बजे यहाँ से एक बैग में हमारी तिजोरी की चाबियाँ और कपड़े लेके जा रहे थे, और जैसे पंचवटी कॉलोनी में गए तो एक काली कार ने पीछे से टक्कर मारी, टक्कर मार के है, और स्कूटर के ऊपर जो है ना डैमेज भी हो गया, और जो है ना मेरे लड़के अरविंद के जो है ना सीने में पसमे पर भी लगी, खरोंच भी आई। दो गुंडे उसमें से निकले, एक के पास रिवॉल्वर था और दूसरा जो है वो स्कूटर में घुसा, एक थैला और कपड़े लेके फट गाड़ी में बैठ के वहाँ से भाग गए। इस तरह से हमारे यहाँ जोधपुर के अंदर ये जो घटनाएं हो रही है ये है बहुत ही शोभनीय घटना नहीं है, और ये है मतलब हर आम नागरिक के लिए जान माल का खतरा बनी हुई है। इसलिए हमारी तो ये गुजारिश है कि ये घटनाएं है ना बंद हो। पुलिस इसमें बहुत सक्रिय कार्य कर रही है और अभी उनकी निरंतर जो प्रयास भी जारी है, पर हम चाहते हैं कि ऐसे गुंडों को पकड़ के उनको सजा मिले, ताकि जोधपुर में सही घटनाक्रम ये रहा कि ये बदमाश का पता नहीं, हमारे सामने एक प्लास्टिक की दुकान है खेतेश्वर, वहाँ पर वो गाड़ी खड़ी थी करीब आधा घंटे, जिसका फुटेज हमने वहाँ देखने से पता चला कि वो गाड़ी आधे घंटे लगातार थी, लेकिन दुकान बंद की। तो वो स्कूटर पर जाते तो हमारा पीछा करते हुए पंचवटी कॉलोनी में पहुँच गए और ये टक्कर मार दी, और ये वारदात हमारे साथ की।